परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने हमारे सम्मुख नाम की महिमा गाई। नित नियम से राम नाम का जाप करना, सिमरन करना, ध्यान करना, लीनता की लय अवस्था तक अपने आप को इस साधन के साथ एकाकार कर लेना, लीनता की लय अवस्था। ये तभी होगा जब गुरु महाराज के जो आदेश हैं, जो उन्होंने मार्ग दिया है, उसके अनुसार हम चलेंगे, मनोमुखी रहेंगे, तो ये जो अपार शक्ति है नाम की, इसको नहीं अनुभव कर पाएंगे। दो ही मार्ग हैं, प्रिय मार्ग और श्रेष्ठ मार्ग। प्रिय मार्ग मनोमुखी के लिए है कि जो मन करता है वह मैं करूंगा। श्रेष्ठ मार्ग जो गुरु महाराज ने हमें अपने सदग्रंथों में वर्णन कर दिया, हमें मार्ग दे दिया, उसका अध्ययन करते हुए, इसको समझते हुए, अपना निरीक्षण करते हुए, गुरुदेव के कथन के अनुसार चलना, तो अपना मंगल और कल्याण कर लेना बहुत ही सुगम है। गुरु महाराज ने कहा, हे प्यारे, तू उस परमात्मा से प्रेम कर जो सर्वशक्तियों का स्वामी है, जो हर पल हर क्षण तेरी रक्षा करने वाला है, जो प्रत्येक कार्य में सफलता का दाता है, यहां तक कि जाने अनजाने में अगर तेरे से कोई विपरीत कर्म भी हो जावे, वह क्षमा धनी है जो उसकी शरण में आ गया। गीता प्रमाण है, यदि तू सब पापियों से बड़ा पापी है, घोर पापकर्मी है, तो भी नाम की नौका पर सवार हो जा, नाम रूपी नौका जो इस भव सागर से पार पा जाने के लिए सक्षम है, तेरी सहायक है और तेरे लिए सुलभ है, नाम का जाप। नाम का जाप तभी हो पावेगा जब देव आदि देव की कृपा हो जावेगी। कृपा प्रसाद है राम की देरी, ये अपने शरणांगत को स्वतः ही वह करुणा निधान अपनी कृपा प्राप्त करवा दिया करता है। लाभ क्या होता है? काल व्याल जंजाल हर लेने, काल बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के क्रम को श्री राम कृपा अवश्य तोड़ देती है। व्याल सर्प, चिंता रूपी सर्प, इससे उसे मुक्त करवा देती है। जंजाल, इस संसार के जो जंजाल है, मृत्यु आ जाने पर भी समाप्त नहीं होने वाले। मत सोचो जब समय अनुकूलित होगा तभी मैं जाप करूंगा, तभी मैं भक्ति करूंगा। अनुकूलित समय तुझे स्वयं बनाना होगा। कैसे? अपने नित प्रतिदिन के कार्यक्रम में पहले सर्वप्रथम नाम का जाप करना होगा। ये संसारिक जंजाल नहीं समाप्त होने वाले। मत सोच कि अनुकूलता होगी तब जाप करूंगा। जब तू जाप करेगा तब समय तेरे अनुकूल होगा। अंतर है। अनुकूलता को ढूंढते रहोगे नहीं मिलने वाली। जाप को करोगे, सिमरन करोगे, ध्यान करोगे, ये उपासना से ही तेरे को अनुकूलता की प्राप्ति स्वतः ही हो जाएगी। इसलिए महाराज ने कहा, परमात्मा से प्रेम कर, तू उससे प्रीति तो कर।
राम नाम से राग गाढ़तम प्रीति। हे प्यारे, तू उस परमात्मा से प्रीति कर, गाढ़तम राग गाढ़तम प्रीति उस राम से कर, प्रेम अमीरस पान कर, अमीरस अमृत रस प्रेम रूपी पान कर इसको तू पी, उपजे शुभ अनुराग अब तेरे भीतर, नाम के लिए शुभ अनुराग तू ललायत हो जावेगा नाम जाप के लिए। पहले मन नहीं लगता था, अब मन राम नाम को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि मन सर्वश्रेष्ठ चाहता है। जब मन को सर्वश्रेष्ठ वह परम पिता परमात्मा का नाम प्राप्त हो जाता है, तब यह तृप्त हो जाता है। अब कोई कामना नहीं रह जाती, कोई तृष्णा नहीं रह जाती, कोई हृदय में विपरीत भाव नहीं रह जाता। यह इतना तृप्त कर देता है, क्या स्वयं यह प्रिय रूप है, भीतर उज्जवल भाव उत्पन्न करने लगता है, यह सबके लिए मंगल कामना करने लगता है। इतना ज्ञान भीतर भर देता है, मानव के जीवन में जाप पाठ करते हुए शुभ कर्म करते हुए जब विपरीत समय आता है, तब वह किसी के ऊपर भी रोष वा दोष नहीं मरता। क्या कहता है? मेरा राम मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए यह विपरीत अवस्था उसी की कृपा से प्राप्त हुई है। क्यों? कोई नहीं यहां तेरा, तेरा और कोई नहीं है, मैं ही हूं। इसलिए तू उसी परमात्मा से प्रेम कर, उसी शक्ति के साथ जुड़ा रह, जो सदा का संगी साथ, वह तेरा साथ कदापि नहीं छोड़ने वाला। इसलिए महाराज ने कहा, प्रिय रूप हरि ईश है परम पुरुष श्री राम, तू अपना संबंध जो सबसे बड़ा है, परम पुरुष पैदा करने वाला, रक्षा करने वाला परम पुरुष श्री राम, जो सारी इस सृष्टि को चलाने वाला है, तो उससे प्रीति कर। निराकार दिखाई नहीं देता, निराकार सुख रूप है, सर्व साक्षी निष्काम, वह निष्काम कार्य करता है, सर्व साक्षी सबको जानने वाला है। अब जो निराकार है, जो कहते हैं जो दिखाई ही नहीं देता, उसमें क्या शक्ति होगी? अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया, पावर हाउस इलेक्ट्रिसिटी तांबे की तार में जो दौड़ रही है, इन चरम चक्षुओं से, इन आंखों से तांबे की तार तो दिखाई देती है, परंतु उसकी शक्ति जो उसमें बिजली दौड़ रही है नहीं दिखाई देती। अब उस जिसमें वह शक्ति दौड़ रही है, तांबे की तार को थोड़ा सा छू जिया जावे तो कितनी जोर का झटका देती है। देखने में तो निर्जीव सा है तांबे की तार, परंतु जब वह शक्ति इलेक्ट्रिसिटी उसमें दौड़ रही है तो दिखाई तो नहीं देती, परंतु छूने से कितना जोर का झटका देती है। इसी प्रकार राम नाम की शक्तियों को मानव देख तो नहीं सकता, अनुभव किया जाता है। उसके जब कार्य होने लगते हैं, जब सब कुछ अनुकूलता होने लगती है, प्रियतम वही जानिए, वही तुझसे प्रेम करने वाला है और कोई नहीं। प्रियतम वही जानिए त्रिलोकी का नाथ, तीनों लोकों का नाथ है, इस लोक में भी तेरे कार्य को संवारता है और परलोक में भी सदा का संगी साथ
त्रिलोकी का नाथ। इसलिए गुरु महाराज ने कहा, पगे प्रभु के प्रेम में जो जन हो सब काल, जो प्रभु के प्रेम में निमग्न रहते हैं सब काल, अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में भी, हर परिस्थिति में वह उसकी प्रीति को कदापि नहीं छोड़ने वाले, उससे प्रेम करने वाले। पगे प्रभु के प्रेम में जो जन हो सब काल, अनुकूलता में भी और प्रतिकूलता में, रमे रहें हरि भक्ति में। वह तो रमन करते हैं, रमे रहते हैं हरि भक्ति में, नाम जाप में, उसके गुणगान करने में। पूजे देव दयाल, उसी की पूजा करते हैं जो देव, देवों का भी देव है दयाल, जो दयालु है, जो कृपालु है। तब महाराज ने कहा, बंधु सभी वे समझिए, मानो मीठे मीत, प्रेमी उपासक ही जन जाए जन्म को जीत। सभी मेरे अपने बंधु हैं, सभी मुझे प्रिय हैं, जो नाम का जाप करते हैं, जो सेवा करते हैं, जो प्रभु के चरण शरण में जुड़े हुए हैं, वह सभी मेरे ही बंधु हैं। उनको अपना ही समझिए, मानो मीठे मीत, जो तुम्हें नाम जाप के लिए प्रेरणा देते हैं, जो तेरे नाम जाप साधना में सहायक होते हैं, वह सभी मीठे मित्र ही है। प्रेमी उपासक ही जन, ऐसे प्रेमी, ऐसी उपासना करने वाले जन जाए जन्म को जीत। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर, वही इस जन्म को जीत जाते हैं। और मानव जन्म का लक्ष्य अपने जन्म को सफल बनाना है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु के क्रम को तोड़ना है। इसलिए किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति द्वेष नहीं, सभी बंधु हैं मेरे। इसलिए यही सच्चा धर्म है, यही प्रीति पथ, यही सत है। समझो शेष विलास, इसके अतिरिक्त तो सिर्फ हास विलास है, खाना पूर्ति है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तेरा सच्चा धर्म प्रेम है, परमात्मा से प्रेम कर। तू प्रीति कर तो उस परमात्मा से कर, राम नाम से राग, प्रेम अमीरस पान कर, उपजे शुभ अनुराग। हरि भक्ति ही सुलक्ष्य है राम भक्त का, उसका लक्ष्य क्या है, सुंदर लक्ष्य है। हरि भक्ति ही सुलक्ष्य है, यहां प्रेम से जान, अगर भीतर प्रेम होगा तभी हरि भक्ति होगी, अगर भीतर कटुता होगी, द्वेष होगा, वैर भाव होगा, तो फिर भगवान की भक्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वह प्रेम स्वरूप है, वह आनंद स्वरूप है। जो प्रेम और आनंद तुम्हारे भीतर उत्पन्न होगा वही उसके मिलवाने वाला होगा। अगर भीतर प्रेम और आनंद नहीं है तो उस परमात्मा से तू बहुत ज्यादा दूर है, कोसों दूर है। हरि भक्ति ही सुलक्ष्य है, और क्या प्राप्त होता है, क्या छूटता है, यह लक्ष्य नहीं है। प्राप्ति तेरी वाह हे प्रभु तेरी कृपा, छूट गया विसर गया हे प्रभु तेरी कृपा तेरी वाह। लक्ष्य तो मेरा हरि भक्ति है, हरि भक्ति ही सुलक्ष्य है। यहां प्रेम से जान, और यहां ये हरि भक्ति केवल
प्रेम से ही सुलभ है, द्वेष से, ईर्ष्या से ये हरि भक्ति हो ही नहीं सकती। जिस घट में प्रेम होगा वही नाम जाप कर पावेगा, अन्यथा वहां नाम जाप तो नहीं होगा, उस घट में अशांति होगी, दुविधा होगी और समय को व्यर्थ खो रहा होगा। भक्ति परम ही धर्म है। तेरा परम धर्म तो भक्ति करना था। आगम करे बखान, आगे आगे क्या प्राप्ति होगी इसके लिए प्रयत्न करना होगा। इसलिए प्रीति लगाओ लगन से परम पुरुष से, ने तू उससे ने कर, उससे प्यार कर, उस परम पुरुष से प्रीति लगाओ लगन से परम पुरुष से, ने अपना आप सुदान कर, कीजिए परम सने। अपना आप क्या सुदान है? जेकर प्रेम खेडन दा चाओ, सिर तल सिर धर तली गली मेरी आओ। अर्थात अभिमान को दूर करना होगा। हे प्रभु, तेरी कृपा, तेरे आशीष, तेरी मेहर, तुमरी कृपा ते जपिए नाम। इस प्रकार उससे प्रेम करके, उसके नाम का जाप करके जो लक्ष्य है अपने सर्व बंधनों से मुक्त होना, तो साधक बड़ी सुगमता से प्राप्त कर लिया करता है। हे गुरुदेव, आपके श्री चरण कमलों में नत शिर बारंबार नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्व शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः।